अब एक और रेसिपी, वो भी एकदम सिंपल है। और ये जो सब्जी है ये बनेगी पापड़ से। भूनेंगे नहीं इसे, तलेंगे भी नहीं, पकाएंगे। जी हाँ, पापड़ और मेथी की सब्जी। अब कैसे बनेगी? बड़ी सिंपल है। एक कढ़ाई ले लें, बर्तन ले लें, और इसमें डालें ये तेल। तेल जब गर्म हो जाए तब आप इसके अंदर डालें कुछ मसाले। ये राई, उसके साथ साथ दालचीनी, और इसके साथ साथ मेरे पास है सूखी हुई लाल मिर्च। इसको तोड़ के डालते हैं। मैंने आपको बताया नहीं कि और क्या तैयारी करनी है। सबसे जरूरी चीज ये है, ये जो मेथी है इसे आपने तैयार करना है। सूखी हुई मेथी को करीब 2 घंटे तक भिगो के रख। ये देखिए, ये है भीगी हुई मेथी। अब इसके बाद इसमें से पानी इसका निकालकर फेंक दें और इसे प्रेशर कुक करें एक दूसरे बर्तन में। मतलब प्रेशर कुकर में ही पकाना पड़ेगा इसे, लेकिन पानी अब इसमें चेंज करके डालें और इसे पकाएं प्रेशर कुकर में। और उसके बाद ये हो गई पकी हुई मेथी। जी हाँ, खैर इसको हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो हमने कढ़ाई में चीज़ें तैयार की हुई हैं उसमें डालते हैं हींग, और ये हल्दी, और क्या डालें इसमें, धनिया पाउडर और लाल मिर्च, और इसके साथ में ये मेथी। वाह, ये अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दिया। और अब क्या करना है, अब मेरे पास ये जो पापड़ है इसे हमने काटना है। आप चाहें तो इसे छुरी से काट सकते हैं, कैंची से काट सकते हैं, नहीं तो हाथ से भी इसे तोड़ा जा सकता है। ये देखिए, आराम से ये पापड़ टूट जाते हैं। अच्छा, इसमें नमक तो डाला ही नहीं है, तो नमक डाल लेते हैं। ये आ गया नमक, और इसके साथ साथ इसमें भी कोकम डाल देते हैं, और मीठा कुछ हो जाए तो ये मीठा, ये इसके अंदर गुड़। ये देखिए, ये जो मेथी है जिसे हमने पकाया है वो दिखने में मेथी तो लगती नहीं है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई स्प्राउटेड कोई चीज़ हो। और क्या आपको मालूम है कि जो जैन धर्म को फॉलो करते हैं एकदम स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन होते हैं, और वो लोग रूट वेजिटेबल्स भी नहीं खाते। तो खैर, यहाँ पर हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई है। ये मेथी, मेथी के दाने। अब इसमें हम ये जो पापड़ हैं वो डाल देते हैं, ये। और जैसे मैंने आपको बताया, आप चाहें तो इस तरह से भी तोड़ के डाल सकते हैं। पापड़ डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब आप देख रहे हैं जो पापड़ हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं, उसके साथ साथ ये पकेंगे भी। अब इसके अंदर और क्या डालना है, और इसमें अब कुछ बहुत सारी चीज़ें बची नहीं है। आप चाहें तो बस हरा धनिया काट के इसमें डाल दें, और हरा धनिया डालने के बाद ये जो मेथी और पापड़ की सब्जी है एकदम तैयार। उसके बाद गर्मा गर्म इसको परोसें, खाएं। हाँ, अगर आप इसे पहली बार खा रहे हैं तो आप खाएंगे लगेगा थोड़ी सी कड़वी है। जी हाँ, मेथी को आप कितना भी धो लें, अच्छी तरह से उबाल लें, कुछ भी करें, लेकिन उसमें जो कड़वाहट है वो तो रहेगी। अब मेथी में कड़वाहट नहीं रहेगी तो क्या गुड़ में रहेगी? तो कड़वाहट ही उसका टेस्ट है। आप इसको बना के देखें, एक बार खा के देखें, और उसके बाद आपको लगेगा हाँ ये सब्जी जो है एकदम अलग है, टेस्टी है, डिलिशियस है।